अफ्रीका और अमेरिका में मक्की की पैदावार को तबाह करने वाला फॉल आर्मी कीट हिमाचल में भी पहुंच गया है। हिमाचल के मंडी जिला के धर्मपुर की तनेहड़ पंचायत में 100 बीघा में लगाई मक्की की फसल पर कीट ने हमला कर पैदावार तबाह कर दी है। इस कीट के हमले से मक्की के पौधे बीज से टूट कर नीचे गिर रहे हैं। इस तरह के नुकसान को लेकर किसान हैरत में पड़ गया है और कृषि विभाग को इसके बारे में सूचना दी। कृषि विशेषज्ञों की टीम ने खेतों का मुआयना कर सैंपल जांचे तो अफ्रीका और अमेरिका में पाए जाने वाली फॉल आर्मी कीट की पुष्टि हुई है। किसानों में केवल राम वीरी सिंह, मेघ सिंह, राजमल, रिवॉल सिंह, प्रकाश चंद, प्रेमी सिंह इत्यादि ने बताया कि उनकी मक्की की फसल पर कीड़े ने हमला बोल दिया है और किसानों की फसल इससे खराब हो रही है। पूरे गांव की करीब 100 बीघा जमीन पर मक्की की फसल की बिजाई की है और अगर किसानों को इससे राहत नहीं मिली तो आने वाले समय में किसान खेतीबाड़ी से तौबा कर देंगे। उधर कृषि विभाग की टीम में कृषि विषयवाद विशेषज्ञ डॉक्टर हेमराज सकलानी, कृषि प्रसार अधिकारी संजय गारलाब, डॉक्टर विजय व कतार मौजूद रहे। हिमाचल में फॉल आर्मी कीट बिल्कुल नहीं होता था। धर्मपुर के तनेहड़ गांव में यह कीट मिला है। सूखा अधिक रहने वाले क्षेत्रों की पैदावार को यह अपनी चपेट में लेता है। मंडी जिला के कई स्थानों में शिकायतें आ रही हैं। विभाग इस पर नजर बनाए हुए हैं। इस कीट का लार्वा बढ़ते हुए मक्की की पत्तियों को खाता है। इसके अतिरिक्त इस कीट के प्रकोप का अनुमान कीट के लार्वे द्वारा बचाने वाली सामग्री व उसके मल की पत्तियों पर उपस्थित तथा कीट संक्रमित ऊपर के पत्तों के गिरने से लगाया जा सकता है। फॉल आर्मी वर्म एक मक्की का इन्वेजिव कीट है जो कि पहले हमारे देश में नहीं पाया जाता था, लेकिन 2016 के बाद से निचले क्षेत्र जो गर्म क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में मक्की में इस कीट का प्रकोप देखा गया है। और पिछले साल से हिमाचल प्रदेश में भी जहां मक्की की फसल लगाई जाती है वहां पे इस कीट का प्रकोप जो है वो देखा गया है। ये कीट मक्की के तने व उसके जो पत्ते होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है, उसमें छेद कर देता है और इसके नुकसान के लक्षण जो हैं पत्तों और तने पे छोटे छेद या उनकी स्क्रैपिंग की हुई दिखती है और वहाँ पे इसका मल जो है इस कीट का देखा जा सकता है। ये कीट जो एक हमारे यहाँ पे पहले कीट स्पोडोप्टेरा पाया जाता है जो कि खास तौर पे टोबैको कैटरपिलर भी जिसको हम बोलते हैं, तंबाकू की सुंडी भी बोलते हैं उसी ग्रुप का ये कीट है और इसका नाम स्पोडोप्टेरा फ्रूजी पड़ता है। लेकिन इसकी पहचान अगर हमने करनी हो तो जो इसके लार्वा हैं जब वो बड़े हो जाते हैं तो उसकी पीठ के ऊपर दोनों तरफ को एक निशान जैसे गोल चटके जैसे निशान जो है वो देखे जा सकते हैं। इस कीट का जो प्रकोप है वो काफी ज्यादा हमारे क्षेत्र में इस बार देखा गया है। उसका कारण ये है कि मक्की लगाने के बाद मई जून में ड्राई मौसम रहा, गर्मी काफी ज्यादा रही जिससे इस कीट का प्रकोप इस बार ज्यादा आया। जहां तक इसकी रोकथाम की बात है तो इसके लिए हम फेरोमोन ट्रैप जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं जिससे इस कीट की शुरू की अवस्था में ही अपने खेत में प्रेजेंस जो है मॉनिटरिंग जो है उसका पता लगता है। और अगर इस कीट का प्रकोप आरंभिक अवस्था में हो तो हम नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट जो नीम की खली होती है वो भी खेतों में डाल सकते हैं, उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका प्रकोप 5% से अधिक का हमारे खेतों में हो तो हमें रासायनिक जो इंसेक्टिसाइड हैं दवाइयां हैं उनका प्रयोग करना चाहिए जिसमें मुख्यतः फ्लुबेंडामाइट 0.3 ml पर लीटर के हिसाब से या फिर क्लोरो एंट्रेनिलीप्रोल जो है वो 0.3 ml पर लीटर के हिसाब से या अगर कुछ न मिले तो क्लोर पायरीफोस का हम 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं या थायमेथॉक्सोम और लैम्डा साई हेलोथ्रिन जो है इन दोनों कीटनाशकों का संयुक्त जो है घोल बना के हम अपने खेतों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इन कीटनाशकों का प्रयोग जब जहां भी जरूरत हो वहां इमीडिएटली करना चाहिए ताकि इस कीट का प्रकोप। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए धर्मपुर से सुशील शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा
hr@goyalmotor.com पर।